बच्चों हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नमाला 2.2 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। अगला प्रश्न कहता है साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखिए साइन इनवर्स आपको निकालना है मान, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान निकालना है, ठीक है। 2π/3 का मान निकालना है तो यहाँ देखते हैं कि 2π/3 कितना एंगल बनता है। देखिए पाई अपॉन 3 60 डिग्री और 60 को 2 से गुणा करें 120 डिग्री। 2π/3 का मतलब होता है बच्चों 120 डिग्री। 120 डिग्री कहाँ होता है? द्वितीय चतुर्थांश में होता है। ये 0 डिग्री, ये π/2 और ये पाई, तो 120 आपको यहाँ वेरीफाई होता है। सेकेंड, जबकि साइन इनवर्स के मुख्य मानों के लिए हम एग्जिस्ट कहाँ कराते हैं प्रतिलोम फलन को? -π/2 से π/2 तक प्रथम में और चौथे चतुर्थांश में मुख्य मान साइन इनवर्स के हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पहले मुख्य मानों में लाएंगे, मतलब परिसर में लाएंगे। जब परिसर में लाएंगे तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा और साइन इनवर्स साइन को कैंसिल आउट करके आपको आंसर दे देगा। तो अभी ये कौन से 120 डिग्री कहाँ है? दूसरे चतुर्थांश में। परंतु दूसरे चतुर्थांश में होने के कारण यह -π/2 से π/2 के जो मुख्य मान है, मतलब साइन इनवर्स का जो परिसर है, वहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है ये एंगल। तो देखिए किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। बराबर आप लिखेंगे साइन इनवर्स, अपनी जगह साइन को लिख सकते हैं π-π/3, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। अब कहेंगे कि साइन इनवर्स तो बाहर में रहेगा, साइन π-π/3 क्या लिख देंगे आप इसको? साइन π/3। क्यों लिख देंगे? क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन π-θ इक्वल टू क्या हो जाता है? साइन थीटा हो जाता है। तो थीटा की जगह π/3 ये आ गया। अब π/3 कौन से चतुर्थांश में आ गया? प्रथम चतुर्थांश में। यहाँ पर साइन इनवर्स का परिसर उपलब्ध है, इसलिए साइन इनवर्स साइन को हटा देगा और π/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहेगा। टेन इनवर्स टेन ऑफ 3π/4 का मान प्राप्त कीजिए। करते हैं देखिए, टेन इनवर्स टेन 3π/4, इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था, टेन इनवर्स टेन ऑफ π-π/4 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और टेन इनवर्स का परिसर देखिए कितना होता है? -π/2 से π/2 के मध्य में होता है, यानी कि चौथे चतुर्थांश का एंगल मिलना चाहिए या प्रथम चतुर्थांश का एंगल मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, टेन इनवर्स ये टेन π-π/4 क्या हो जाएगा? -tan π/4 हो जाएगा कि नहीं बच्चों? क्यों? क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में टेन पाई में से कुछ घट रहा है, तो कौन से चतुर्थांश में चले गए बच्चे? सेकंड में। देखिए पाई यहाँ होता है, माइनस कुछ भी करोगे तो कहाँ आओगे? द्वितीय में आओगे। द्वितीय में टेन नेगेटिव होता है, तो टेन π-θ इक्वल टू -tan θ। माइनस अंदर में ले जा सकते हैं, क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स टेन ऑफ π/4 माइनस का, बिकॉज टेन -θ इक्वल टू -tan θ आपका होता है, इसलिए -tan θ को tan-θ अपन ने लिख दिया। अब टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, क्यों? क्योंकि टेन इनवर्स का एग्जिस्टेंस हो गया। -π/4 कौन से चतुर्थांश में है? चौथे चतुर्थांश में, जहाँ टेन इनवर्स का परिसर होता है, इसलिए आपका हो गया ये मुख्य मान -π/4 जो है आपको आंसर के रूप में प्राप्त हो गया। आगे चलते हैं, आपको मान निकालना है टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 का। देखिए साइन इनवर्स 3/5 को अपन टेन इनवर्स में चेंज कर देंगे। कैसे कर देंगे? देखिएगा, साइन इनवर्स 3/5 को चेंज करना है टेन इनवर्स में, तो आपके क्या चाहिए? एक समकोण त्रिभुज चाहिए। ये आपने थीटा ले लिया, तो यहाँ पर देखिए 3 ऊपर क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? लंब। और 5 क्या है आपका? कर्ण। तो ये तो 3 हो गया, 5 हो गया, तीसरी भुजा 4 हो गई। टेन इनवर्स में 10 में ऊपर कौन आता है? आपका लंब। नीचे क्या आता है? आधार। तो 3/4 आपका मान प्राप्त हो जाता है। इससे आपने इस तरह से परिवर्तित कर दिया। तो देखिए बच्चे कहेंगे टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 बराबर क्या मान प्राप्त हो जाएगा? टेन साइन इनवर्स को लिख दिया टेन इनवर्स में कितना? 3/4
4 जो कि आपने ऊपर लिखा, प्लस कोट इनवर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 का 2/3 हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x फॉर्मूला आपके पास उपलब्ध है, तो ये हो जाएगा 2/3। आगे बढ़ते हैं, बराबर टेन। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, होता है टेन इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 - 3/4 इंटू 2/3। ये हो गया टेन इनवर्स, जिससे टेन हट जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 * 3 = 12 लघुत्तम ऊपर और 4 * 3 = 12 नीचे, कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स से टेन हटा दिया और यहाँ पर आपका हो जाएगा 12, तो 3 * 3 = 9 और 4 * 2 = 8, 8 और 9 कितना हो गया आपका 17 हो गया, और नीचे में 4 * 3 = 12, 12 में से 6 गए तो आपके कितने बने 6, तो 17/6 आंसर आपका इस तरह से इसको सॉल्व करने से आ जाता है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7π/6 का मान ज्ञात करें। करते हैं, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7π/6, ठीक है, कॉस इनवर्स बाहर में है, कॉस 7π/6 को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करेंगे, कॉस पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। कौन सा चतुर्थांश है बच्चों, कॉस पाई में कुछ भी जोड़ रहे हो, कौन से चतुर्थांश में चले गए, ये पाई कुछ भी जोड़ोगे इसमें, कौन से में चले जाओगे, तीसरे में। तीसरे में कॉस क्या होता है आपका बताइए, नेगेटिव होता है। कौन कौन से में पॉजिटिव होता है, पहले में और चौथे में, दूसरे और तीसरे में दोनों में नेगेटिव होता है, तो बच्चे कहेंगे ये तो हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा, थीटा का मतलब π/6, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस थीटा आपके सामने है। अब हमें कौन से में जाना चाहिए, हमें दूसरे में जाना चाहिए। दूसरे में क्यों, इसलिए जाना चाहिए कि जो कॉस इनवर्स का जो आपका परिसर है वो 0 से π तक ही होता है, तो मुख्य मान हमें 0 से π के बीच में मिलने चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या, अगर मैं कॉस माइनस कॉस थीटा को कौन से चतुर्थांश में ले जाऊँगा, सेकेंड में, क्यों ले जाऊँगा, क्योंकि इसके मुख्य मान 0 से π के बीच में होने चाहिए, तो बच्चे कह देंगे कि कॉस इनवर्स कॉस ऑफ π - θ से हम दूसरे के अंदर चले जाएंगे द्वितीय चतुर्थांश में, तो π/6 π - π/6 आ गया। अब कॉस इनवर्स में कॉस को हटाने की ताकत आ गई है, क्यों, ये जो लिखा हुआ है ये π - π/6, ये द्वितीय चतुर्थांश का एंगल है जिसमें कि आपके कॉस इनवर्स का परिसर विद्यमान है, तो ये एग्जिस्ट कर गया और आपका मुख्य मान आ गया π - π/6, इट मीन्स 5π/6 जो कि आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चे इसे कर लेंगे। बच्चों अगला देखिए, sin π/3 - sin 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। करते हैं, बिल्कुल आपको गिवन है sin π/3 - sin 1/2, ये आपको गिवन है, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस बाहर में आ जाएगा तो आपका हो जाएगा साइन, साइन के अंदर में पाई बाई थ्री अपनी जगह, और ये माइनस बाहर में आएगा तो ये प्लस साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 1/2, आपने अपने फॉर्मूले को इस पर अप्लाई कर दिया। अब साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होता है π/6, आप जानते हैं बच्चों, क्यों, 30 डिग्री पे साइन कितना वैल्यू देता है, 1/2 देता है, तो बच्चे लिख देंगे साइन π/3 + π/6, और बच्चों साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री यानी कि 60 + 30 = 90 डिग्री यानी कि π/2, और π/2 पे साइन कितना मान देता है 1, तो आपका जो आंसर होगा इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या कहता है, टेन इनवर्स √3 - cot inverse - √3। बच्चे जानते होंगे cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनता है, π - cot inverse x, इस तरह से आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूले आपको बताए गए हैं। तो देखिए cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू π - cot inverse √3 हो जाएगा आपका। तो ये यहां पर शुरू करते हैं, tan इनवर्स
रूट थ्री है आपके पास, माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री है, ठीक है। टेन इनवर्स रूट थ्री अपनी जगह पे, इसकी वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। अब देखिए माइनस माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट एक्स, रूट थ्री की जगह एक्स सोच के देखिए तो फॉर्मूला ऊपर है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो माइनस बाहर जाएगा तो पाई के थ्रू जाएगा, माइनस ब्रैकेट लगा देता हूँ, पाई माइनस कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा रूट थ्री बच्चों, ये आपके पास मान आ जाएगा बराबर। टेन इनवर्स रूट थ्री अपनी जगह, ये हो जाएगा माइनस पाई और ये हो जाएगा प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी और माइनस वाली प्लस। टेन इनवर्स रूट थ्री, बताइए रूट थ्री टेन पर कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री पे वैल्यू होती है रूट थ्री, तो इसका आंसर कितना आएगा 60 डिग्री यानी कि पाई बाई थ्री माइनस पाई और फिर प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू कितनी होगी बच्चों की पाई बाई सिक्स, 30 डिग्री पे रूट थ्री वैल्यू देता है कॉट, तो यहाँ पर देखिए पाई बाई थ्री पाई बाई सिक्स कितना हो गया पाई बाई टू और माइनस क्या हो गया आपके पास पाई, पाई बाई टू माइनस पाई कितना हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई टू, तो आंसर आपका कितना आ जाता है माइनस पाई बाई टू, राइट ऑप्शन कौन सा है बी, तो बी आपका यहाँ आंसर हो जाता है बच्चों। तो देखिए आपने 2.2 जो प्रश्नमाला थी उसके सभी प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, आगे के भाग में हम आगे का देखेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।